आज करनाल के लघु सचिवालय में गांव बुड्ढा खेड़ा से पहुंची दर्जन भर से अधिक महिलाओं का दर्द छलक पड़ा। मीडिया से बात करते हुए कई महिलाओं की आंखें नम हो गई। कारण था कि उनके बच्चे पानी पीकर अपना पेट भर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस आपदा की स्थिति में ना तो कोई सरकार की तरफ से कोई राशन की मदद मिल रही है और ना ही डिपो होल्डर उन्हें कार्ड होने के बावजूद राशन दे रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें कभी राशन मिलता है तो कभी नहीं। किसी ने डिपो होल्डर पर आरोप चढ़ दिया तो किसी ने पार्षद पर। महिलाओं ने यह तक कह दिया कि वोट लिस्ट में तो उनका नाम होता है और राशन देने के समय डिपो होल्डर उनका नाम लिस्ट में ना होने की बात क्यों कहता है। अपनी इसी शिकायत को लेकर वह करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मिलने के लिए पहुंची। महिलाओं ने बताया कि गांव में यदि कोई सरकारी राशन आता है तो वह भी उन तक नहीं पहुंच पाता है, वह भी सक्षम लोगों तक ही पहुंच रहा है। बातचीत के दौरान एक महिला ने बताया कि उसके घर में करीब दर्जन भर सदस्य हैं। लॉकडाउन के चलते सभी के काम बंद है, ऐसे में वह भूखे मरने की कागार पर है। एक अन्य महिला ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उसकी नौकरी बंद है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, डिपो होल्डर उन्हें कभी कहीं तो कभी कहीं भेज रहा है, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा। गांव से यहां तक वह पैदल चलकर आई हैं, क्योंकि आवागमन के साधन बंद। उनका कहना है कि उपायुक्त द्वारा उन्हें बीते दिनों उनकी समस्या का हल का आश्वासन दिया गया था। आज वह पुनः उपायुक्त से मिलने के लिए आई। उम्मीद है कि उनकी समस्या का हल होगा और वह इस विकट स्थिति में भूखे नहीं रहेंगे। समाचार एक्सप्रेस की टीम करनाल प्रशासन और डिपो होल्डरों से अपील करता है कि वह इस विकट स्थिति में जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि करनाल प्रशासन का दावा है कि करनाल में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, उसके खाने का प्रबंध करनाल प्रशासन करेगा। देखिए करनाल से विशेष संवाददाता तरुण मदान की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 12 सी जिला सचिवालय में, जहां पर हमारे सामने कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये लोग बुड्ढा खेड़े से हैं, जो कि वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आता है। पिछले कई दिनों से राशन संबंधी समस्याओं को लगातार आप देखते भी आ रहे हैं, समझते भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चूक कही जाए या फिर डिपो होल्डरों की मनमानी कही जाए या फिर इनकी मजबूरी कही जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी इन लोगों को तक राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा। हालांकि आप देख सकते हैं कि इनके सबके हाथ में अपने अपने कार्ड भी हैं, किसी के हाथ में पीला कार्ड है, किसी के हाथ में हरा कार्ड है, किसी के हाथ में गुलाबी कार्ड है, जबकि सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि हर एक के घर पर राशन पहुँचे, क्योंकि आपदा की ऐसी स्थिति है कि बाजार नहीं खुल रहे। तो हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हमारे पास, जो आए हुए बुड्ढा खेड़े से, मैं इनकी समस्याएं जानने का प्रयास करूंगा और कोशिश करेंगे इनकी समस्याओं का हल हम कर सकें। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है एक महिला, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। आपका नाम? मेरा लाजवंती नाम है जी। आप कहाँ से हैं? बुड्ढा खेड़े से हैं जी। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या जी राशन लेने की है। डिपो वाले राशन नहीं दे रहे जी। क्या कह रहे हैं? अभी तारी लिस्ट नहीं आ, हमारी वोटा करके तो लिस्ट आ जाती है जी, वैसे लिस्ट नहीं आती है। जब हम राशन लेने जाते हैं जब हमारी लिस्ट नहीं मिलती। आपको कितने समय से राशन नहीं मिल रहा? मैंने तो बहुत साल हो गए जी, हो गए दो साल, एक दो बार मिला, फिर उसके बाद कह दिया उन्होंने तारी लिस्ट कट गई है। क्यों काटने का उसने कारण नहीं बताया? कोई कारण नहीं बताता। आगा जाओ, आगा पूछा, हम किस किस को पूछा जी। कल हम 15-20 जनानियां इसके डीसी के पास आए थे, तो डीसी लगे कहने तुम ऐसा करो, मैंने फोन कर दिया, अरे डिपो वाले के पास चले जाओ। तो डिपो वाले के पास गए, डिपो वाला मैंने यही 12 सेक्टर में मिल गया, तो जिनका राशन देता जी जो, तो उस पर लगे कहने भी तू डीसी के पास चल, डीसी कह रहे अभी राशन मिलेगा था ना, तो लगे कहने भी मैं राशन किस तरह देऊंगा, मेरे पास है ही नहीं था तुम्हारा राशन, तो लगे कहने भी तुम 6 सेक्टर में जाओ जी। हम 6 सेक्टर में गए, 6 सेक्टर में मैंने दफ्तर बंद पाया, फिर हम घर पाए, फिर हम डिपो वाले के पास गए, फिर लगे कहने भी मेरा कुछ नहीं कर सकते तुम, फिर डीसी ने मेरे को ये बोला था थारी नहीं सुनाई हुआ तो कल मेरे पास आ जाइयो। तो आप उपायुक्त डीसी साहब से मिलने आए? हाँ, डीसी साहब से मिलने आए थे। इनका ये कहना है कि ये कल आए थे, डीसी साहब ने इनको आश्वासन दिया था कि इनकी समस्या का हल होगा, लेकिन इसके बाद भी इनको कई जगह जाना पड़ गया, चक्कर काटने पड़ गए, कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन इनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ। आज अपनी समस्याओं को लेकर पुनः उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। हम कोशिश भी ये करेंगे, उपायुक्त महोदय से हमारे भी यही अपील रहेगी इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, आपको कितने समय से राशन नहीं मिल रहा? हमने तो राशन मिले रहा, राशन कार्ड बनवाया था अभी, वो लिस्ट तो आई हो या दी ही नहीं। क्या कहते हैं डिपो वाले? कहते लिस्ट अभी तक लॉकडाउन खुलेगा तब मिलेगी आपको, तो
ऐसे कैसे जी वोट दे रहे हैं, तो वोट तो ले रहे हैं ना, जब तो लिस्ट नहीं देखते ना हमारी, तो सारा कुछ कर रहे हैं। अभी 15-15 जी हैं घर में खाने वाले, बच्चे मेरे टायर पंचर की दुकान वो भी बंद है, रिक्शा चलावा वो भी बंद है, कहाँ से खाएं फिर। देखिए इनका ये कहना है कि बच्चे इनकी जो मजदूरी करते हैं वो दुकानें बंद है, ये भी घर में झाड़ू पोछे का काम करती हैं वो भी बंद है। जब वोटों की बारी आती है, तो इनकी लिस्ट तैयार हो जाती है, जब राशन देने की बारी आती है तो इनका लिस्ट में से नाम काट दिया जाता है। काटने का कारण क्या है अभी तक इनको नहीं पता चल पाया। डिपो होल्डर इनको कहीं पर कहीं और भेज देता है, वहाँ जाने के बाद इनको पता लगता है इनको यहाँ नहीं कहीं और जाना है, तो वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इनको सिवाय झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। हमारे साथ एक और माता जी मौजूद है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। माता जी आपका नाम? सुमन। माता जी आपकी क्या समस्या है? यही समस्या बस। तो आपको भी कभी राशन नहीं मिला? ना कभी नहीं, एक पत्ता भी नहीं, क्या खोल कर देख लेता सारा, कभी नहीं मिलता। तो क्या था बने रही हमारा कार्ड 20 साल हो और कभी नहीं मिला। देखो जी 20 साल हो गए इनके कार्ड को बने हुए, 20 साल से इनको आज तक राशन नहीं मिला। ये भी चौंकाने वाले तथ्य अब आपके सामने आ रहे हैं कि 20-20 साल से लोग वोट दे रहे हैं लेकिन इनको राशन नहीं मिल रहा। मैं एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है, वो भी इन महिलाओं के साथ यहाँ पर उपायुक्त महोदय से मिल रहे हैं। सर आपका नाम? श्रीपाल। सर आप भी इनके साथ ही हैं? हाँ, मैं बुड्ढाघेड़े से। सर बुड्ढाघेड़े में कितने डिपो होल्डर हैं? बुड्ढाघेड़े में दो डिपो होल्डर है। तो सर सरकार ने तो ये व्यवस्था भी कर रखी है, अगर एक डिपो से नहीं मिल रहा तो आप दूसरे डिपो से ले सकते हैं, क्या वहाँ भी आपको सहायता नहीं मिल रही? मैंने राशन कार्ड अप्लाई किया था और डिपो पे गया मैं चेक करने राशन कार्ड के लिए, और डिपो वाले ने बताया तुम फूसगढ़ जाओ, फूसगढ़ अप्लाई नंबर मेरा आया हुआ है, मैं डिपो पे फिर वापसी आया। डिपो वाले बोले तुम्हारा नाम नहीं है, मैं दोनों डिपो पे जा चुका हूँ, मुझे कोई भी राशन नहीं मिला। मेरे 2 साल हो लिए बुड्ढाघेड़े में रहते हैं और मैंने इतने ही प्रयास किया, एमसी के पास भी गया, एमसी बोले कि तुम हटके जाओ वहाँ, हटके भी उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा राशन कार्ड में कोई नाम नहीं है, और मैं जा मेरे दफ्तर में जाता हूँ वहाँ कहते हैं तुम्हारा नाम आया हुआ है, मुझको राशन कभी नहीं मिला। सर देखिए इनकी भी यही समस्या है कि दो साल से ये धक्के खा रहे हैं, 2 साल से कभी डिपो होल्डर के पास तो कभी पार्षद के पास जा रहे हैं, पार्षद डिपो होल्डर के पास भेजता है, डिपो होल्डर पार्षद के पास भेजता है, लेकिन समस्या जस की तस है, समस्या जस की तस है, राशन नहीं मिल रहा। ऐसे में राशन के लिए वो कहां जाए, ये भी गंभीर चिंता का विषय, सोचने वाली बात है। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है। देखो जी अब जैसे अब ये आपदा की स्थिति है, बीमारी का समय चल रहा है, सरकार ने भी राशन की व्यवस्था की है, क्या आपके गांव में व्यवस्था पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रहे, फिर हमको तो मिल नहीं रहा राशन जी। तो फिर कहां जा रहा है वो राशन? पता नहीं, जब मारे तो 6-7 साल हो गए, जब ना तो बिल्कुल नहीं मिल रहा जी। हाँ बिल्कुल मरते तो नहीं कह रहे, हर तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं जब सरकार द्वारा जो राशन भेजा जा रहा है वो भी नहीं मिल रहा जी, हमने तो कुछ नहीं मिल रहा, ना सूखा ना गिल्ला, कुछ नहीं मिल। भगवान दास है जर वो ईश्वर है जी, मारे तो दो ही डिपो है जी, हम तो जाओ उनके पास, वो कहता उसके पास जाओ, वो कहता मेरे पास नहीं था नाम, उसके पास जाओ वो कहता तेरे पास, मेरे पास नहीं है तेरा नाम। देखिए जी इनकी भी यही समस्या है कि इनका नाम कहीं पर नहीं है, आखिर नाम जुड़वाने के लिए जाएं तो जाएं कहां? एक डिपो होल्डर कहता है कि मेरे पास आपका नाम नहीं है। नाम था जी लिस्ट में, हमारा नाम था, हमने 2 साल पहले कार्रवाई करी थी। एक डिपो होल्डर कहता है दूसरे के पास जाओ, दूसरा कहता है पहले के पास जाओ, थक कर करिए मले अब कड़ी धूप में उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए है ताकि इनकी समस्या का निवारण हो सके। मैं एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, इनके हाथ में भी राशन कार्ड है, आप देख सकते हैं। आपके घर में कितने सदस्य हैं जी? जी 6 हैं जी। 6 सदस्य हैं। आपको कब से राशन नहीं मिला? मैंने जी 1 साल पहले मिला था, 1 साल मिला, सालों के बंद कर दिया, अभी नाम कट गया आपका। नहीं नाम कटने का कारण कुछ नहीं बताया अंदर जी, और ये कह रहे हैं अभी जहाँ मर्जी जाओ, मैं हमारे पता राशन नहीं, मैं आगे से नहीं आने का, मैं कहाँ से घर से थोड़ी देऊंगा। देखिए इनका नाम कट गया, काटने का कारण नहीं पता चला, सिर्फ मिला तो मिला झूठा आश्वासन, और ये कहा गया कि आपका नाम कट गया, आपको जो करना है कर लो, हमारे पास राशन नहीं आया, कारण नहीं बता रहे इनको। अगर इनको कारण पता चले तो शायद इनकी समस्या का हल हो सके, लेकिन कारण नहीं पता तो आखिर जाएं तो जाएं कहां? अब एक और है हमारे साथ, मैं इनसे बताने का प्रयास करूंगा। हाँ जी आपके गांव में कितने लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा जी? बहुत लोग मिल नहीं रहे राशन, किसी ने भी माना तो जब तक बने तुम्हारा तो बने, मिला ही को नहीं राशन, नुबल सारा लिस्ट में नाम ही नहीं, वोट ले तुम्हारा नाम आ जा जी है, अगर मेरा ऑटो चलाया तो भी घर बैठे ऑटो चलाने देते, काम तो खाम तो कहाँ तक खामा। तो आप पार्षद के पास गए जो आपके वार्ड का एमसी है, तभी उनसे बात करने को जी वो भी कहा अभी तो हम अपने उसके कोटे वाले के पास जाओ, कोटे वाला था रही है मारा क्या जद मारा राशन नहीं दे रहा जी, ये तो बात कहा गए हम उसके पास, दिया ही नहीं कभी उसने, कभी भी नहीं दिया, मांगे का एक दो फिर मांगे जब भी दिया उनका, जाओ ज्यादा मर्जी जान दे जाओ, थाना राशन नहीं मिलता। देखिए अब आप इसको मनमानी कह सकते हैं डिपो होल्डरों की, या ये चीज देख सकते हैं कि किस तरह से इनको बताया ये जा रहा है कि आपको जहां जाना है जाइए, जो करना है करिए, राशन आपका नाम कट चुका है, लिस्ट कट चुका है, लेकिन इनके मन में पीड़ा ये है
कि जब वोटों की बारी आती है, जब राजनीति की बारी आती है, तो वो इनके पास वोट लेने के लिए आते हैं, तब हर लिस्ट में इनका नाम होता है, इनके घर के 15-15 सदस्यों का नाम होता है, उनके वोट लिए जाते हैं, लेकिन राशन के नाम पर एक सदस्य का भी नाम नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी खड़े हैं, एक महिला ने अभी आपके सामने बताया था कि 20 सालों से वो वहाँ पर हैं, 20 सालों से राशन नहीं मिला। एक ने बताया कि 2 सालों से वो धक्के खा रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल पा रहा, उनका नाम पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है। एक ये राशन कार्ड की कापियां देखो, ये महिलाएं दिखा रही हैं, इसके अंदर किसी तरह की कोई एंट्री नहीं है, दिखाते हैं हम आपको। कुछ नहीं मिला हुआ, कुछ ये है राशन कार्ड की कॉपी, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के अलावा, नाम के अलावा कोई तिथि भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो। और लिस्ट हमारी फटने से आते हैं मोटा की, अब इनकी भी यही पीड़ा है कि वोटों की लिस्ट आती है तो राशन की लिस्ट कहाँ जाती है। लो, मैं एक और महिला से बात करने का प्रयास करूंगा, ये देखो कुछ नहीं मिलता। 3 लड़के हैं जी मेरा, 3 पर 1 पे 7 बच्चे हैं, 1 पे 4 हैं जी, 1 पे फिर 4 हैं, इन बच्चों इन तक कुछ राशन नहीं दे रहा जी। तो जब आपको राशन नहीं मिल रहा है, ऐसे में गुजारा कैसे चल रहा है, क्योंकि दुकानें भी बंद है, काम काज भी ठप है, बस भूखे मरन लग रहे जी, बच्चे माखी भीड़ करिए, एक टाइम मिल जाए कुटिया मत ले जा राशन, एक टाइम खाते नहीं है बेचारे, ऐसे गुजारा पानी पी पी का गुजारा कर रहे। अब आप ये देख सकते हैं कि करनाल में बुड्ढाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की पीड़ा कैसी है, पीड़ा कैसी है, पानी पी पी गुजारा चल रही है, कभी निर्मल कुटिया से तो कभी कहीं से ले जा रही है। हाँ जी, देखिए एक बार फिर से मैं एक महिलाओं से जानने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम तो यही आए जी, भूखे मरदे ऐसे हम सीखा जावा है, दोनों मर्द वीर 2 साल हो गए, वैसे कार्ड का भी हमने ये दिया था, पैदल चल चल का मामा है खसम वीर, ये जो काम था नूरमहल में लग रहा था वो भी छूट गया, तो ये दो बच्चे हैं छोटे छोटे, निर्मल कुटिया की सरदार गाड़ी लेकर जाते हैं, उस पर खाना लेके हम खाते हैं, बिल्कुल वाला चार हूँ जी मैं तो। देखिए इनका ये कहना है कि इनको कुछ नई सुविधा मिल पा रही प्रशासन की तरफ से और डिपो होल्डरों की तरफ से, निर्मल कुटिया जो है इनके लिए वरदान साबित हो रही है, उनकी गाड़ी आती है, इनको खाना नसीब हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, ये खुद महिला कर्म कहीं पर जॉब करती थी तो वो आजकल वो भी बंद है। लेकिन विडंबना ये है, जब प्रशासन दावे कर रहा है, जब डिपो होल्डरों के पास इतनी सारी संख्या है, इतने सारे राशन आ रहा है, तो वितरित क्यों नहीं किया जा रहा, ये संशय का विषय है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 14 साल हो गए जी राशन नहीं मिल रहा, पहला मिला था हमने, ये भी बोलते हैं भी कट रहा है ये राशन कार्ड, अरे नवा लिस्ट में नाम भी आ रहा, और लाइन भी करा दिया, फिर भी राशन नहीं दे रहे, ना सरकारी मिला जो सो दिया, कहीं गड्डी आली गांव में जिसका लेंटर वाले घर गंजायस आ उनका दे जा, हमारा नहीं दे रहा कोई। देखिए इनका ये कहना है कि राशन वाली गाड़ियां आती है, लेकिन जिनकी गुंजाइश है, जो ऑलरेडी अपने आप में सक्षम है, उन तक राशन पहुंचाया जा रहा, जो गरीब लाचार जरूरतमंद है उन तक राशन नहीं पहुंचाया जा रहा। मैं तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस की टीम से करनाल प्रशासन से ये अपील करूंगा कि इन लोगों के दर्द को समझा जाए और उनकी समस्याओं का निवारण तुरंत किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लाचार मजबूर लोग हमें देखने को मिले और जिनसे हमने बात करने की कोशिश भी की, उन्होंने अपना दर्द भी बताया। मैं एक बार फिर से करनाल प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि समय रहते इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि ये लोग भी अपने जीवन को इस आपदा की घड़ी में सुचारू रूप से चला सके, ताकि भूख से कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, क्योंकि करनाल का प्रशासन यह दावे कर चुका है कि भूख से रहकर कोई भी किसी व्यक्ति को सोने नहीं दिया जाएगा। हाँ जी, ये निर्मल कुटिया के जरूर कर्जदार हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियां इनको समय समय पर राशन और खाने का सामान वितरित करवा रही हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक और एक बात सामने जो ये आ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि डिपो होल्डर इन तक राशन नहीं पहुँचा रहे। अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है कि इनका जो इन्होंने बातें कही हैं कि उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है, तो अपना पक्ष भी सामने रखें, उपायुक्त महोदय से बात करके, उपायुक्त महोदय भी निवेदन कर चुके हैं कि किसी को ऐसी स्थिति में मत लाया जाए कि वो परेशान हो। तो हम एक बार फिर से ये अपील करते हैं सभी डिपो होल्डरों से, सभी करनाल के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, कि वह लोगों की समस्याओं को सुने और तुरंत समय रहते इनका समाधान करें। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।